इसकी शक्ल देख, इसे देख। आप प्लीज तमीज में बात करो पहले तो। क्या तमीज में? तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपकी देसी गर्ल यानी कि सिमरन कौशिक। और गाइस, आज आप सोच रहे हो कहाँ मैंने चूड़ा वगैरह पहना है, आज मेरे साथ कौन है? आज मेरे साथ है मेरा फ्रेंड जिसका नाम है दीपक। और गाइस, आज मैं करने वाली हूँ अपने सबसे बड़े भाई पे प्रैंक, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, इतना ज़्यादा चिल्लाता है, उसे पसंद नहीं कि मैं हर किसी लड़के से जाके भी बात करूँ। तो आज अगर मान लो कि वो हमें ऐसे देखेगा कि मैं शादी करके खड़ी हूँ, तो आज उसे कितना गुस्सा आने वाला है। इसे भी बहुत डर लग रहा है क्योंकि आज ये भी पिटेगा मेरे साथ। मैं तो पिटूंगी पर ये भी पिटेगा। सो उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। आज उनकी जॉब का टाइमिंग है 12 बजे और 11:30 हो रहे हैं, तो वो निकलने वाले होंगे शायद से। तो उन्हें कॉल करते हैं और आज बुलाते हैं यहाँ पर, मज़ा आएगा। डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ करो। हेलो हेलो भाई, कहाँ पे हो? मैं घर पे था। जॉब नहीं जा रहे आज आप? आज जा रहा हूँ, बस लेट हो गया यार आज थोड़ा। अच्छा यार, सुनो, मेरे को ना कुछ बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी है? अभी फ़ोन पे नहीं बता सकती, अगर मैं CP आई थी ना शूट के लिए भी, तो अच्छा। कुछ काम भी है मेरे को, तो मेरे को घर पे बात नहीं कर सकती, इसलिए यहीं पर ही अभी आपको बुला रही हूँ। सोचो आ जाओ एक बार। तो शाम को आ जाइए ना, शाम को बात कर लेंगे, मेरे को लेट हो रहा है, समझा कर। मैं आज ऐसे ऑफिस में बहुत मीटिंग है मेरी। यार एक दिन का काम छोड़ दो ना, जरूरी बात है बहुत ज्यादा। अगर पागल वागल है क्या, कैसे छोड़ दूं? ऑफिस है, जॉब से नौकरी वोकरी निकाल देगा बॉस। अरे सुनो, शाम को आके बात कर लो। मैं शाम को मैं घर नहीं आऊंगी ना, मैं घर नहीं आऊंगी, अब आऊंगी नहीं, मतलब? मैं जब इसलिए बोल रही हूँ, मैं आपको मतलब कैसे बताऊँ, अभी फोन पे नहीं बता सकती ना, इसलिए बोल रही हूँ। एक बार आ जाओ मेरे को ना। सुनो, तुसी आपको ना किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है? मैं अभी ऐसे नहीं बता सकती, आप एक बार आओगे तो मैं आपको बता दूंगी। प्लीज आ जाओ ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आ जाओ प्लीज, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, मैं घर नहीं आ सकती। नहीं मतलब क्या तेरा? आप आओ तो सही। घर नहीं आ सकती? मैं घर नहीं आऊंगी ना आज के बाद, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। प्लीज एक बार आप आओ तो सही, आ जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब आज के लिए अपनी जॉब छोड़ दो यार प्लीज। चल ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ आप। जब आप यहाँ पे आ जाओ ना, तो एक बार मेरे को कॉल कर देना, नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद खुद ही कर लूंगी आपको। ओके ओके। सो गाइस, अभी वो घर पे ही है, 1.5 घंटा लगने वाला है उन्हें, कोई नहीं करते इंतजार, पर प्रैंक तो होगा आज, सब पे होगा प्रैंक, तो सब पे होगा। करते हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेरे को, थप्पड़ थप्पड़ पड़ेंगे हाथ दबा के। आज मेरी तबीयत ऐसी खराब हो रही है, पिटने वाली हूँ मैं, कोई नहीं, तू मत डर। ये तो हंस भी नहीं रहा डर के मारे। करते हैं फिर उनके इंतजार। सो गाइस, उन्हें काफी देर हो चुकी है, हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं उनका, देखो हद ही हो गई, इतनी देर हो गई उन्हें। तो एक बार उन्हें फिर से कॉल करते हैं और पूछते हैं कहाँ तक पहुंचे, है ना? डर लग रहा है। हेलो हेलो, कहाँ पहुँचे भाई? बस मैं एग्जिट कर ही रहा हूँ गेट से, 6 नंबर गेट से। नहीं, 6 से मत करो, 7 से करो। 7 से ना आप जैसे एग्जिट करोगे ना, तो वहाँ पे आगे आओगे ना हल्का सा, तो वहाँ पे एक गांधी पार्क है, उसमें आ जाओ, मैं वहीं पर ही बैठी हुई हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर मैं आ गया। हाँ जल्दी आओ। ओके आ जा। सो गाइस, बस थोड़ी देर और बस एग्जिट कर ही रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार और कर लेते हैं, फिर करते हैं उन पे प्रैंक, मजा आएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओए कैमरा ऑन कर लेना जैसे ही वो आए, तो बस आने ही वाले आई थिंक वो। ठीक है फिर देख रही हूँ मैं, दिखें तो। ओए आ गए, टिकट ले रहे हैं आई थिंक, अब टिकट ले रहे हैं, आ गए, बस आ गए। ओए अच्छी सी एक्टिंग करी हो, पहले बता रही हूँ, देख भैया हैं पर मारे मारे तो पिट लियो थोड़ा सा, कोई नहीं, मेरे को डर लग रहा है वैसे बहुत ही ज़्यादा। मैं पिटने वाली हूँ बहुत गंदी तरीके से। तो पिटेगा बहुत गंदी तरीके से। आ रहे हैं भाई, मैं तो मुँह छुपा लूँ ऐसा मन कर रहा है मेरा। आ गए, कैसे भैया? आ जाओ। ये सब क्या है ये? अरे इधर तो आओ, क्या हो गया? ये सब क्या है? क्या ये सब? अरे है क्या? ये कौन है? ये मैं बताती हूँ ना, मैंने आपको बुलाया है इसलिए, मेरे को कुछ बात करनी थी ना आपसे। क्या बात करनी थी मेरे को? ये सब है क्या पहले ये? अरे 2 मिनट रुक तो जाओ, क्या कर रहे हो, तोड़ क्यों रहे हो? माला है वो, तोड़ क्यों रहे हो? हो क्या रहा है ये सब? अरे मैंने आपको बुलाया था यार, पता है मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मेरे को डर भी लग रहा है, आपने देख ही लिया होगा जैसे मीटिंग छोड़ के ये सब सुनने आया हूँ।
अरे आप मेरी बात तो सुन लो, आप एकदम से आके हाइपर हो रहे हो यार। हम मतलब मैं कैसे बताऊँ, हम दोनों का रिलेशनशिप है 3 साल का, तो मतलब अब हमने शादी कर ली है। मैं इसलिए आपको बुलाया था, आप बड़े हो इसलिए घर में आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा हूँ तो मेरे को सुनने के लिए, ये देखने के लिए बुलाया है क्या? और ये है कौन, बंदर की शक्ल का? बंदर की शक्ल का नहीं है, वो मेरा पति है। शादी कर ली है हम दोनों ने, भाग कर शादी करी है, मंदिर में शादी कर आए हैं हम लोग। किस एंगल से पति दिख रहा है तेरे को? भैया प्लीज आप देखो ऐसे मत बोलो, पति है वो मेरा। आपको तमीज होनी चाहिए कि आप कैसे बात कर रहे हो उससे। देखो बड़ी तमीज है। तो तमीज वाली क्या बात है, अगर मैं शादी करनी कोई गलत बात है, मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैंने शादी कर ली उससे। तो शादी करने के लिए तेरे को यही मिला क्या? तो ये मिला क्या, मैं उससे प्यार करती हूँ, मिला क्या? शक्ल देख के प्यार नहीं होता, वो मेरे को अच्छा लगता था, हम लोगों को इतना अच्छा रिलेशनशिप है। इसकी शक्ल देख, इसे देख। आप प्लीज तमीज में बात करो पहले तो। क्या तमीज में? आप मार क्यों रहे हो पहले आराम से, प्लीज उसे हाथ मत लगाओ, मेरे को मार लो जो भी करना है, उसे हाथ मत लगाओ। नहीं ये सब है क्या, ये सब है क्या, ये सब? आप पागल हो क्या? आपने मार, पीछे चल, चल पीछे। उसे हाथ मत लगाओ प्लीज, उसे हाथ मत लगाओ, जो भी करना है ना मेरे को कर लो, उसे मत हाथ लगाओ। क्यों? ये सब करने के तो कॉलेज भेजते थे हम। तो मैंने अगर मेरे को कटवा दी तूने घर वालों की, मेरे को अगर किसी से प्यार है तो मैंने आपको बताया ना, अब हमने शादी कर ली है। शादी कर ली निकल ली, देखो इस चीज़ के लिए कॉलेज भेजते थे, देखो इसलिए हमने इतना बड़ा करा, तूने जो मांगा हमने तेरे को वो दिया, कभी तेरी फरमाइश में कभी कुछ कमी पूरी करी हमने? भैया पर प्लीज़ अगर हम दोनों प्यार करते हैं तो दिक्कत क्या है? और आप प्लीज़ हाथ मत उठाओ, बड़ी हूँ मैं, छोटी बच्ची नहीं हूँ कोई, मैं कर सकती हूँ जो मेरे को करना है, हाथ मत उठाओ और उसको हाथ मत लगाओ। और तू ये छोड़, आप पागल हो क्या? क्या यार हद है, एक तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? एक बार के लिए तूने बुलाया, इसी बताने के लिए, ये सब बताने के लिए मैंने छुट्टी करी आज ऑफिस की। मेरी बात तो सुनो यार, हम दोनों प्यार करते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? सुनने के लिए दह क्या गया मेरे को ये बताओ यार, ये बता तू, सुनने के लिए दह क्या गया? मेरी बात समझो, देखो तूने बात समझो नहीं समझो, आप प्लीज गुस्सा मत हो, देखो मेरी बात तो सुनो, हम आप प्लीज, करता क्या भाई तू? स्टूडेंट हूं, स्टूडेंट है क्या, खुद तो को क्या हो गया, हम अभी कर रहे हैं ना, तो? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, आगे जब हम जॉब करेंगे तो दोनों की साथ में लगेगी जॉब, हम दोनों साथ जॉब करेंगे, अच्छा कमाएंगे, हम रह सकते हैं खुद से। वो कह रहे उसको हाथ मत लगाओ प्लीज, एकदम चुप। आप मार क्यों रहे हो पहली बात तो, आप हाथ मत लगाओ, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, ये बहुत ज्यादा हो गया, हाथ मत लगाओ और उसको हाथ मत लगाओ प्लीज। क्यों हाथ मत लगाऊं, ये ज्यादा हो गया है, ज्यादा हो गया नहीं हो गया, वो कहीं का नहीं छोड़ा है भैया, प्लीज मेरी बात सुनो। तेरे माँ बाप ने कितने प्यार से तेरे को पाला, तू से ये सब कर रही है, मतलब कॉलेज वाली तू जाती थी, ये सब करने जाती थी कॉलेज? मैं कॉलेज पढ़ने ही जाती थी, पर अगर वो यहां, मेरे को मिल गया। पढ़ाई दिख रही है, ये सब तेरी पढ़ाई दिख रही है, ये जो करके बैठे हैं तू उतारी से, भैया आप क्या कर रहे हो इसे, ये तेरी पढ़ाई दिख रही है, ये सब आपको तमीज भी है, ये चूड़ा ऐसे इसे नहीं फेंकते, मैं नहीं मानता चूड़ा बूढ़ा, शादी की निशानी है वो मेरी, शादी की निशानी मैं नहीं मानता, शादी वादी आप नहीं मानते, आपके मानने से कुछ नहीं होता, अब क्यों नहीं होगा, अब हमारी शादी हो चुकी है, कोई शादी बात नहीं, तू घर चल। नहीं मैं नहीं जाऊंगी घर, घर चल, हम दोनों ने शादी कर ली और उससे दूर रहो, घर चल, आप मेरे हाथ छोड़ो, मैं उसके साथ ही जाऊंगी जहाँ भी जाऊंगी अब। ओए तू पीछे चल, तेरे से नहीं कह रहा, उससे हाथ मत लगाओ, उसे हाथ मत लगाओ प्लीज, तू पीछे हो जा, तू पीछे एकदम पीछे रह, चल तू घर चल। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, क्यों आ गए, हम दोनों की शादी हो चुकी है, बुला लो जिसको बुलाना है, कोई नहीं बुला लो, तू पीछे हो जा, बुला लो आप जिसको बुलाना है आप, पर अब हमारी शादी हो चुकी है बस। इसे समझाओ अपनी बेटी को, शादी करके बैठी है यहाँ पर, आप पापा को क्यों बता रहे हो? पापा को ना इसको समझाओ कुछ, तुमसे मैं पहले कहता था इसको मत भेजा करो कॉलेज वॉलेज की, तुम्हारे घर वाले तुम मानते नहीं हो ना मेरी बात, अब सुनो आप घर पे क्यों बता रहे हो? तुमसे 10 बार बोल रखा था मैंने इसको कॉलेज मत भेजा करो, मत भेजा भैया प्लीज ना, क्यों बता रहे हो आप घर पे, मैं आपको उसे बुलाया ना सिर्फ आपको बता रही हूँ ना, तो आप घर पे क्यों बता रहे हो बेफालतू में, तो घर वालों को पता नहीं चलेगा के बाद में, घर वालों को पता नहीं चलेगा के बाद में, नहीं पहले तू ये बता, तू सिमरन तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, भैया प्लीज मेरी बात सुनो, हम आपस में बात करेंगे ना, उसके घर वाले भी नहीं मान रहे तो ना ही आप, मेरे को पता है आप लोग तो मानते नहीं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। देखती क्या बोलती है, आपको पता है ना, आपको तो वैसे भी पसंद नहीं कि मैं किसी लड़के से भी बात करूं, तो अब ये सब करके बैठी है पसंद आ रहा है मेरे को? प्लीज भैया आप देखो, हम दोनों ने शादी कर ली है, करके बैठी है, ये पसंद आ रहा है मेरे को, अब प्लीज मेरी बात तो सुनो, नहीं घर नहीं जाऊंगी मैं, नहीं और पीछे हो जा, तू घर चल, आप मेरा हाथ छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसके साथ ही जाऊंगी, पीछे चल, उसको हाथ मत लगाओ ना, आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार इसको हाथ क्यों लगा रहे हो, पीछे हो जाओ उससे, मतलब तू इस बंदर की शक्ल के लिए मेरे को धक्का दे रही है, प्यार करती हूँ मैं उससे, और उसे ऐसे मत बोलो,
प्यार करते हम नहीं करते तेरे से प्यार नहीं करते जब भी ऐसे कर रहे हो तेरे को आप समझ क्यों नहीं रहे हो आपको घर चल मैं घर नहीं जाऊंगी वो बोल दिया ना नहीं जाऊंगी घर पीछे हो जाओ मेरे से घर चल घर भैया थोड़ा समझो तो सही ओए तू पीछे प्लीज हाथ छोड़ पीछे चल पीछे हो चल हाथ छोड़ उसको हाथ मत लगाओ प्लीज उसको हाथ मत लगाओ मैं बोला ना मैं घर नहीं जाऊंगी नहीं नहीं घर नहीं जाऊंगी हाथ छोड़ो हाथ छोड़ मैंने बोला हाथ छोड़ आप उसपे क्यों चिल्ला रहे हो आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा क्या हाथ छोड़ो मेरा यार यार मेरी एक बार बात तो सुनो हाथ तो छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो अच्छा मेरे को ना आपको एक और एक बात और बतानी थी क्या इधर आओ इधर इधर अरे इधर तो आ जाओ जब इतना कुछ सुन लिया तो एक बात और सुन लो आपको पता भी ये भी तो पता है ना कि मैं प्रैंक वगैरह भी करती हूँ ना तो आपके साथ भी प्रैंक ही हो रहा था कैमरा तो दिखा दो देखो वो दिख रहा है कैमरा वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था सॉरी सर